नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है, आप उस पर संपर्क करके अपने हाथ की वीडियो बनवा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रहस्यमय चिन्ह की, जिसे हम एक्सोसाइन कहते हैं। दोस्तों, वह हाथ में कब, कहाँ और किस जगह पर बनता है, चलिए दोस्तों इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके लिए जानना होगा आपको सबसे पहले कि हमारे हाथ में एक भाग्य रेखा होती है जो कुछ इस प्रकार निकलती है हाथ में से और इस तरह शनि पर्वत तक जाती है। और दोस्तों, एक क्रॉस के लिए हाथ में कुछ इस प्रकार एक कुछ इन रेखाओं के बीच में एक क्रॉस का साइन डेवलप होता है। दोस्तों, जो मिस्टिक क्रॉस होता है वो ये वाला क्रॉस नहीं होता। अगर आपकी भाग्य रेखा को कोई ऐसी रेखा काट रही है तो वो वाला क्रॉस नहीं होता। दोस्तों, जो मिस्टिक क्रॉस होता है दोस्तों, वो अलग ही स्वतंत्र वो एक रेखा इस तरह से बनती है और इस रेखा को काटता है। दोस्तों, अगर आपकी कोई रेखा ऐसे जा रही है और उसको कोई रेखा काट रही है तो वो वाला क्रॉस नहीं है। दोस्तों दोस्तों एक अलग ही बिल्कुल स्वतंत्र वो भाग्य रेखा पर नहीं होता, वो अलग होता है। और ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, ये हृदय रेखा होती है, इन दोनों के बीच में एक स्वतंत्र सा क्रॉस होता है कुछ इस प्रकार। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि भाग्य रेखा पर जो क्रॉस बनता है वो क्रॉस नहीं होता, जो क्रॉस होता है असली वाला वो यही होता है। तो दोस्तों, जिस जातक के हाथ में ये क्रॉस होता है वह रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता होता है और अपने जीवन में यश एवं कीर्ति को पाता है। और दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने दम पर कुछ कर दिखाने वाले होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।